गोरी आंखों में प्यार लेके दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला। मैं एक बार इधर जो बॉयज बैठे हैं मैं चाहूंगी कि आप साथ साथ में इधर और इधर वालों के साथ कंपटीशन करना है मुझे, क्योंकि औरतें तो कुछ बोल नहीं रही हैं। हो सकता है आप लोग ही गा दें। झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला झुमके ने ले ली मेरी जान। आगे की लाइन अगर आपको आती है तो प्लीज साथ में गाइएगा। झुमके ने ले ली मेरी जान। किसी ने सुना नहीं है क्या गाना? नहीं सुना? इधर से नहीं सुना? किसी ने नहीं सुना? पंजाबी सुनेंगे? पंजाबी। एक मुंडा पंजाबी, एक मुंडा पंजाबी, दूजे नैन शराबी। अच्छा एक बात बताएं, एक गाना दोस्ती के नाम, यहां पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि दोस्तों से कोई प्यार नहीं करता है। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। अब ये मत कहना कि ये गाना भी नहीं आता है। यारा तेरी यारी को, ये भी नहीं सुना है क्या? अगर ये नहीं सुना ना तो आपने कुछ नहीं सुना। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फसाना। मेरे जैसा हरियाणवी गा लेते हैं, ठीक है? अपना रूप रंग सजाऊं मेहंदी हाथा में लगवाऊं। एक बार हुटिंग कर दीजिए। अपना रूप रंग सजाऊं मेहंदी हाथा में लगवाऊं पायल कंगन भी मंगवाऊं फिर नीर भरण न जाऊं। रूप रंग सजाऊं मेहंदी हाथा में लगवाऊं पायल कंगन भी मंगवाऊं फिर नीर भरण में जाऊं। घूंघट काणा सा काढ़ू ना कसर घालूंगी,
घूंघट काना सा काढू ना कसर घालूंगी। ये तो आता है ना, बावन गज का दामन, बावन गज का दामन पैर मटक चालूंगी, बावन गज का दामन पैर मटक चालूंगी, बावन गज का दामन पैर मटक चालूंगी, अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। ओ खाली आँखा में शाही रविंदी माथे पहलाई, ओ खाली आँखा में शाही रविंदी माथे पहलाई, बहु सब कर दी गाँव की फैल, मैं पढ़ पढ़ के जब आई, सारे देवर जेठा के मैं गई खटक खटक, गज का घूंघट काट चाली मैं तो मटक मटक, गज का घूंघट काट चाली मैं तो मटक मटक। क्या बात है, मेरे खातर गोली चाली, गोली मेरे खातर चाली, मेरे खातर गोली चाली, मिट्टी मेरे खातर चाली, IMCR मेरे हुक्का मेरे यार का चल, चल काली थार मेरे सिक्का मेरे यार का चल, IMCR मेरे हुक्का मेरे यार का चल। याद पिया की मेरे पिया की, याद पिया की आने लगी। चले बहुत सारा थैंक यू, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबके बीच में आकर। और एक बार फिर से मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि रूड़ीलाल जी, धन्यवाद मनीषा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी राजस्थान की सबसे बड़ी कलाकार, वो भी हमारे सैनी समाज से, और आपने खुश रहो बेटी खुश, हाँ लाल रुक जाओ, मनीषा ने जो शानदार प्रोग्राम दिया है उनका सम्मान आप देखिए, पीड़ी लुगड़ी के साथ में जो सम्मान हो रहा, तालियों के साथ आप भी एक बार सम्मान करें, ये वो सम्मान डॉक्टर साहब के द्वारा कलाकारों का खुश होकर के सम्मान किया जा रहा है, मेमेंटो भी दिया जा रहा है, ये आदिवासी मंच कलाकारों का कैसे सम्मान करता है, और डॉक्टर साहब तो खुश हो जाते हैं जब कोई कलाकार अपनी कलाकारी को पेश करता है। और अभी बड़े बड़े कलाकार बाकी हैं, मैं बीच में इसलिए खड़ा हो गया कि अगर गोरी नागोरी आ गई, जो आएगी ये जो गोरी नागोरी वाले बैठे हैं ना श्रोता, मैं सुझाव दूंगा आयोजकों का कि गोरी नागोरी का बाद ही बाद में प्रोग्राम कराओ, बोलो क्या करें, एक पहले एक बाद में, दो तो तुम ताली नहीं बजा रहे। तुम झूम नहीं रहे। अरे चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। मैं तो नीचे बैठा था जब
वो गायिका बार बार ताली बजाने की कह रही थी, तुम ताली नहीं बजा रहे थे। मेरे मन में आया कि मैं 72 साल में भी डांस कर सकता हूँ, करता हूँ ना नाच। अरे डांस करता हूँ ना मैं, ये बैठी ना ये हमारे पछवाड़ा की, इनके साथ डांस कम किया है मैंने। मैं कुछ एक तरह से यहाँ पर भाषण देने के लिए नहीं आया, ज़्यादा मेरे को विघ्न भी नहीं डालना है, क्योंकि बहुत कलाकार अभी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और 9 अगस्त को ये कार्यक्रम हम इसलिए मनाते हैं, आपको पता है कि दुनिया भर में ये कार्यक्रम विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन नांगल प्यारीवास से बड़ी भीड़ कहीं भी दुनिया में नहीं इकट्ठी होती जो यहां पर होती है। इसलिए यहां के लोगों में उल्लास है, उत्साह है, जज्बा है, इस जमीन के लिए समर्पण है, निष्ठा है। तो आप सबको ये तो पता ही है, आप सबको ये तो पता ही है कि इस जगह का नाम हाई कोर्ट क्यों पड़ा, बताने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आज के बच्चों को पता नहीं है, लेकिन हमें इस जगह 2 करोड़ रुपए खर्च करके उस हाई कोर्ट की घटना का विवरण लिखेंगे, जो सब आने जाने